हेलो फ्रेंड्स वेलकम हेयर कैसे हैं आप सब होप यू ऑल आर डूइंग गुड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर एंड आज की वीडियो ऑब्वियसली अ शॉर्ट स्टोरी रिटन इन वेरी स्मार्ट वे एंड दिस स्टोरी इज़ वेरी 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 फेमस एंड मैक्सिमम इस स्टोरी से ऑलरेडी अवेयर है मैं स्टोरी को आज हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ टाइटल ऑफ द स्टोरी है द थर्स्टी क्रो ठीक है प्यासा कौआ द थर्स्टी क्रो एक कौआ जिसको बहुत प्यास लगी थी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था फाइनली उसको पानी मिला एंड देन उसने कैसे उस पानी को पिया ठीक है ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे प्लस मॉरल वैल्यू टू कि स्टोरी की क्या मॉरल वैल्यू है ये स्टोरी ओब्वियसली इन इंग्लिश है लेकिन मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीड करते हैं स्टोरी को सो लेट्स वी स्टार्ट इट वॉज अ होट समर डे एक तो थर्स्टी क्रो है प्यासा का हुआ है ऊपर से सीजन भी समर का है गर्मियों का है बहुत गर्म है बहुत गर्म बहुत गर्मियों का गर्म दिन था एक ऐसा दिन जो समर सीजन में बहुत गर्म था राइट अक्रो वॉज वेरी थर्स्टी एक कौआ जिसको बहुत प्यास लगी थी जो बहुत प्यासा था it was flying here and there in search of water to quench its thirst, वह इधर से उधर उधर से इधर उड़ रहा था ताकि उसको पानी मिल जाए थोड़ा सा जिससे उसकी जो प्यास है वो बुझ जाए इट कुड नॉट फाइंड अ ट्रेस ऑफ वाटर एनी वेयर लेकिन इतना घूमने के बाद भी सर्च करने के बाद भी उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला एट लास्ट इट रीचड अ गार्डन आखिर में वह एक पार्क में एक गार्डन में आ पहुंचा वहां उसने वाला घड़ा इट सैट ऑन द ब्रीम ऑफ द पिक्चर एंड लुक्ड बिलो इन टू दिक्चर अब उसने क्या किया वो पिक्चर के ऊपर बैठ गया उसके कॉर्नर पर जो ऊपर की किनारा होता है गुलाई होती है उस पर वो बैठ गया और उसके अंदर झांकने लगा इट आइड अब उसने देखा द वॉटर एट द बॉटम ऑफ दिक्चर यहाँ पे दर दो, दो बार लिख दिया मैंने एक बार आएगा दो बार नहीं आएगा ओके हम सही कर लेते हैं इसको तो जब उसने देखा तो पानी तो उस पिक्चर में था लेकिन वो पानी बहुत ही नीचे था गहराई में था मतलब उतना ऊपर नहीं था कि जिसको वो ईजिली पी पाए इट ट्राई टू स्ट्रेच इट्स नेक उसने कोशिश करी अपनी नेक को खींचने की थोड़ा सा लंबा करने की सो so दैट उसकी जो बीक थी चोंच थी वो अंदर तक जाए और वो उसको पी पाए बट इट्स बीक कुड नॉट रीच द शैलो वाटर लेकिन उसकी जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच पाई इट फेल्ट डिसगस्टेड अब ऐसे में उसको बहुत 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 बुरा फील हुआ और उसको लगा कि यार इतनी प्यास लगी है जगह जगह पानी ढूंढा है कहीं पानी नहीं मिला और मिला भी तो कहाँ जहाँ तक चोंच नहीं पहुँच पा रही द क्रो एक्सरसाइज इट्स ब्रेन कहते हैं कि जब फिजिकली कोई वर्क ना हो पाए तो दिमाग यूज़ करना चाहिए तो क्रो ने भी अपना ब्रेन इस्तेमाल किया एट लास्ट इट हिट अपॉन अ प्लान और फाइनली उसको एक प्लान भी आया एक प्लान उसके दिमाग में क्लिक करा इट सो उसने देखा ए हीप ऑफ पेबल्स एट डिस्टेंस उसने थोड़े डिस्टेंस पर देखा कि छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं कंकर होते हैं उनकी एक ढेरी लगी हुई थी इट पिक्ड अप पेबल्स विद इट्स बीक वन बाय वन एंड थ्रू देम इनटू द पिक्चर अब उसने क्या किया कि एक एक करके उन कंकरों को उठाना शुरू किया और उनको उठाकर उस पिक्चर में डालना शुरू किया द रोज अप ऑब्वियसली जब पानी बहुत नीचे है और उसमें कंकर गिरेंगे तो वो पानी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और ऐसा ही हुआ पानी ऊपर उठा इट ड्रैंक अप वाटर अब उसने ये पानी पिया एंड क्विंसड इट्स थर्स्ट और अपनी प्यास बुझाई देन इट फ्लू अवे और तब वह उड़ गया फाइनली उसको पानी भी मिला उसने पिया भी लेकिन उसको बहुत हार्डवर्क करना पड़ा ठीक है अब देखते हैं स्टोरी का मोरल क्या है सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब नए नए आइडियाज़ आते हैं और नई नई चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन और खोज होती है तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन ठीक है जरूरत ही खोज की जननी है तो कैसी लगी ये स्टोरी इफ यू लाइक डोंट फो गेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर